A very good afternoon to all students. So you can see on your screens that today we will start with our chapter number 4, The Treasure Within. English book is It So Happened, which is your supplementary reader. Okay, so The Treasure Within. Treasure means khazana, ki khazana hamare andar hi hai. To ek bahut hi motivating story hai, ek interview hai from most prominent architect jo hai hamari India mein, मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. तो उनके बारे में जो है एक इंटरव्यू लिया गया और वो इंटरव्यू जो है वो आज आपके सामने ये चैप्टर है. सो हियर वी स्टार्ट. एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. कि हर बच्चा जो है उसमें कुछ ना कुछ जो है कुछ इनकी अचीव करने की पोटेंशियल होता ही है और साथ में उसका लर्निंग का स्टाइल डिफरेंट होता है, उसका इंटरेस्ट का एरिया डिफरेंट होता है. सो रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, अ न्यूज़लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, द वैले स्कूल, बेंगलोर, एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स. तो ये इंटरव्यू जो है मिस बेला राजा ने, जो कि स्पर्श की एडिटर थी, न्यूज़लेटर रिसोर्स सेंटर जो द वैली स्कूल बेंगलोर में था वहाँ पर, और मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंडिया के आर्किटेक्ट्स में से एक हैं. आर्किटेक्ट्स जो बिल्डिंग्स का डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो जो है आर्किटेक्ट्स होते हैं. सो फर्स्ट पार्ट है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. तो वो अनहैप्पी स्कूल बॉय थे जब स्कूल जाते थे. ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. तो वो जो है उनको चीज़ें करना पसंद तो था, लेकिन वो क्या था कि चीज़ों को याद करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. मैथमेटिक्स गेव हिम अ शिवर्स. तो मैथमेटिक्स उनको कंपा देता था, मतलब बहुत ज़्यादा डरते थे वो. सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस हिम डीपली. तो उनके प्रिंसिपल ने उनसे क्या कहा कि बहुत ही ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हो गए. सो एच सी मीन्स हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एंड बी आर, मतलब ये डायलॉग्स हैं इनके, बी आर मतलब बेला राजा. तो मैं ये नहीं पढ़ूंगी, जस्ट मैं ये डायलॉग्स जो है उनके पढ़ती जाऊंगी, आप ध्यान रखना. ओके, सो आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. नाइटमेयर्स मतलब डरावना सपना ना. तो कहते मुझे ये हमेशा डरावना सपना जो था वो एक आता रहता था. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर. तो ये 4-5 साल पहले ही जो है वो हुए हैं कि मुझे ये सपना आना बंद हो गया है. What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? तो कहते हैं आप कौन से nightmare की बात कर रहे हैं, डरावने सपने की बात कर रहे हैं, जो आप सोचते हैं अब ख़त्म हो चुका है, अब नहीं आता है. I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. तो कईयों को आता भी होगा सपना, मुझे भी आता था. I am a science graduate. तो मेडिकल स्टूडेंट थी मैं, तो मेरे पास जो था फिज़िक्स था. फिज़िक्स के सपने मुझे आज भी आते हैं, जैसे उनको मैथ्स के सपने आते थे कि मेरा फिज़िक्स का पेपर हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, और एकदम से सपना मेरा टूट जाता है ना. तो ऐसे ही हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को भी बार बार कहते सपना आता था मुझे कि मैं मैथ्स के एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता है. नाउ द साइके मस्ट हैव गॉटन ओवर इट. लेकिन अब मेरा माइंड जो है वो उससे ऊपर जो है वो उठ चुका है, मतलब कि अब मैं उस पर एक तरह से भूल चुका हूँ. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. तो मुझे टाइम ही नहीं है कि मैं एजुकेशन के बारे में सोचूं और वो नाइटमेयर्स भी, वो सपने भी मेरे आने बंद हो गए हैं. सो नेक्स्ट पेज. कंप्यूटर में थोड़ा यही रहता है ना, लैपटॉप में बुक्स नहीं है मेरे पास, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज़ माय लैपटॉप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन. सो टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. तो फिर कहते हैं अपनी पुरानी कोई यादें जो है स्कूल से जुड़ी हुई वो मुझे बताओ. इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. तो कहते फर्स्ट और सेकेंड क्लास में तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था. आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड I simply lost interest and never studied. जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुँचा तब वहाँ पर जो है कहते हैं कि मुझे बहुत, यानी कि मैं इंटरेस्ट जो था वो मेरा ख़त्म हो गया पढ़ाई में, और फिर
मैंने पढ़ना छोड़ दिया। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। तो कहते मैं इधर उधर खेलता रहता, भागता रहता, जोक्स बनाता, दूसरों का मजाक बनाता, दूसरों पर ट्रिक्स खेलता, और लेकिन पढ़ता नहीं। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग माई एग्जाम्स टाइम्स। तो एग्जाम टाइम में कहते कि मैं कॉपी करता, चिटिंग करता। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। तो कहते कि मुझे जो है ट्राई यही करता कि मुझे एग्जामिनेशन पेपर में मुझे कोई ना कोई सहारा मिल जाए जिससे मैं कॉपी कर सकूं, मुझे बना बनाया सब कुछ मिल जाए। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि मुझे कुछ भी याद ही नहीं रहता था कि जो मैंने क्लास में मुझे क्या पढ़ाया गया है। सो हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ। तो एक वर्ड मेरे सेंटेंस, एक सेंटेंस मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा और उस सेंटेंस ने मुझे मेरी सारी लाइफ चेंज कर दी। व्हेन आई अप्रोच माई 11th स्टैंडर्ड द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड। तो जब मैं 11th क्लास में पहुंचा तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। कहते बेटा देखो, मैं तुम्हें फर्स्ट डे से देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम कभी नहीं पढ़े। I have taken care of you till today. आज तक तो कहते मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है। Now, I can no longer take care of you, so you do it yourself. तो कहते अब मैं तुम्हारा ध्यान आगे और नहीं रख सकता, सो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। He talked to me for 5 minutes. कहते 5 मिनट तक ही उन्होंने मेरे साथ बात की। You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees. All these years, but you have only played games. तो कहते तुम्हारे फादर नहीं है, तुम्हारे मदर इतने सालों से जो है तुम्हारी फीस जो है वो देने के लिए कई बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, काम करती हैं, लेकिन सॉरी आज थोड़ा गला खराब है, बट तुम जो है हमेशा खेलते रहते हो। Now you should rise to the occasion and study. अब तुम्हें इस मौके पर उठना है, तुम्हें जागना है, तुम्हें अपना ध्यान देना है और पढ़ना है। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्स मैन, आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। तो मैं जो था एक अच्छा, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स मैन था, सीनियर चैम्पियन था, कई सालों तक रहा अपने स्कूल में और क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. तो कहते मैं हर गेम खेल लेता था, but उस साल मैंने ग्राउंड में पैर तक नहीं रखा। I would go for prayers and all I would do was eat and study. मैं मॉर्निंग असेंबली में जाता और क्या करता, खाता बस पढ़ता। I normally used to copy and pass. ज़्यादातर मैं कॉपी करता, चीटिंग करता और पास हो जाता। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। तब मैंने रियलाइज़ किया जब मैं SSC में, मतलब 11th 12th क्लासेस जो हैं वो SSC हो जाते हैं ना, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस ना, तो कहते जब मैं इनमें हो गया हूँ तो अब मैं कॉपी चीटिंग नहीं कर सकता। सो व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC माई प्रिंसिपल सेड। तो जब मैं सेकेंड क्लास, मुझे 50% मार्क्स आए, मतलब सेकंड डिवीज़न आई, तब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा, सन कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। कहते ये समझो बेटा कि तुमने डिस्टिंक्शन ली है। डिस्टिंक्शन मींस के जो है, जब 75% से मार्क्स ज़्यादा आते हैं ना सब्जेक्ट में, जो स्टार लगता है, तो 75% से मार्क्स जब ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ डिस्टिंक्शन। तो कहते हैं तुम्हारे बेशक 50% आए हैं, लेकिन तुमने ये अपनी मेहनत से लिए हैं, तो इसको 75% समझो। दिस इज़ माई मेमरी ऑफ माई स्कूल डेज। तो कहते ये मेरे स्कूल के दिनों की यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। कहते मैं और भी कई सारी चीज़ें करता था। सो सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्नड आई कॉन्ट रिमेंबर। तो कहते कि एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, मतलब कि शायद इतनी ज़्यादा थी कि वो मेरे कोर्स में, मेरी डिटेल्स में कहीं ना कहीं कहीं भी नहीं थी, मतलब कुछ मैं भूल भी गया हूँ। तो आई कॉन्ट रिमेंबर, मुझे याद भी नहीं कर सकता मैं उसको। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजिली। कहते मुझे चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। अगर याद करना है तो मुझे फिर फोटो जैसे देखते हैं ना, तो कहते फिर मुझे फोटोग्राफ देखना पड़ेगा यादें करने के लिए।
अपनी दोबारा लेने के लिए यादें। आई रीड अ बुक, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की ये फ़ोटो है, एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नोट थ्रू माई माइंड। तो कहते हैं मैं रीड जब कोई बुक पढ़ता हूँ तो मुझे सिर्फ वो फोटोग्राफ के थ्रू जो है वो यादें जो हैं वो मुझे उसकी चीज़ें जो हैं वो याद रहती हैं, बट मेरे माइंड में कुछ नहीं रहता। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो कहते हैं ऐसे मैं चीज़ों को ध्यान में अपनी यादों में रखता हूँ। वेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल अप यू एंड हाउ डिड यू फील? तो कहते हैं कि जब आप क्लास स्कूल में थे, आप क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, तो टीचर तुम्हें क्लास से बाहर निकालते थे, तुम्हारी पिटाई भी करते थे, तुम्हें कैसा फील होता था? आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बींग पुल्ड अप। तो कहते हैं मुझे क्लास से बाहर निकालना, मेरी पिटाई करना, मुझे कभी बुरा नहीं लगता था। कहते मुझे कुछ फीलिंग ही नहीं थी उसके बारे में। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। तो कहते मुझे यानी कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था प्ले में, मतलब कि खेलने में, कि मुझे हर हफ्ते जो है केन जो है वो लानी पड़ती थी, मतलब कि मेरी कि जो डंडा वगैरह था ना वो मुझे हर हफ्ते लाना पड़ता था। When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो कहते जब आपको पता लगता था कि तुमने अच्छा नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है, तुम अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम जो है वो तुम्हें टीचर से वो गुस्सा भी करना था टीचर ने तुम पर, और तुम्हें जो है किसी ना किसी तरह पनिश भी करना था, तुम्हें पता लगता था कि अब मेरी जो है पिटाई होगी, तो तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या सोच आती थी? स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड गेन यू। कैसे क्या सोचता था मैं? बस यही सोचता था अपना हाथ ऊपर करो और वो डंडे से तुम्हें मार देंगे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन I would have to forget about it because I would want to go and play. कहते वो उस टाइम दर्द होता था और फिर मैं दर्द होने के बाद, फिर पिटाई खाने के बाद मैं भूल जाता था क्योंकि मुझे बाहर खेलने के लिए जाना था। You never felt insecure or threatened. कहते तुम्हें कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई, कभी तुम्हें कि डरा हुआ सहम हुआ नहीं लगा कि आज तो मुझे पिटाई भी हो रही है, आज मेरी पिटाई होगी। I was just interested in playing and nothing else. तो कहते मुझे सिर्फ खेलना था, मुझे खेलने में इंटरेस्ट था और कुछ भी नहीं था। I was most interested in funny pranks. तो कहते मुझे तो मतलब कि लोगों का जो है लोगों पर ट्रिक्स खेलने में मज़ा आता था। One day I didn't want to study, so I created a distraction. कहते एक दिन क्या था कि मुझे पढ़ने का बिल्कुल दिन नहीं था, मैं नहीं चाहता था पढ़ना, तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन मतलब कि कुछ अलग जो है इनकी डिस्ट्रैक्ट करने का किया, मैंने अपना ध्यान जो है पलटने का सोचा। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस। कहते पूरे एक घंटे तक हम चोर पुलिस खेलते गए। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी। तो हर हफ्ते हमें परमिशन मिलती थी कि टाउन में जाएं मूवी देखने के लिए। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स। तो कहते मुझे क्या करना होता था, लंच नहीं मैं करता था उस दिन, 40 से 50 स्टूडेंट्स से मैं पैसे कलेक्ट करता था एंड रन एंड बाय द टिकट्स। तो मैं जाता भागता और टिकट्स लेके आता। ऑन माय वे बैक आई वुड ईट टू माय हार्ट्स कंटेंट। हार्ट्स कंटेंट मतलब पेट भरकर। तो कहते जब मैं वापस आता तो मैं पेट भरकर खाता। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग। कहते मुझे आदत थी कि मैं गैंग का लीडर होता था। आप में भी होंगे ना कि एक पूरा ग्रुप है, ग्रुप का एक लीडर होता है। सो ऐसे ही हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर लीडर थे। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज। तो गैंग फाइट्स के बारे में हम पूरा प्लान स्ट्रैटेजीज वगैरह करते थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दीज थिंग यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी अकेडमिक्स। तो पढ़ाई के ज़्यादा मुझे कहती है इसमें चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। तो कहते जैसे आप भी देते हैं ना कि लोग आपको बोलते हैं कि अपनी पिछली क्लास की बुक्स मुझे दे देना। तो कहते मेरे तो बच्चे जो क्या करते थे, मेरी
पहले ही बुक कर लेते थे, बुकिंग कर लेते थे कि मैं तुम्हारी बुक्स लूँगा, क्योंकि मैंने कभी खोली ही नहीं होती थी वो, एज इट इज़ नहीं होती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम्स, तो शायद ही कहते मैं उनको एग्ज़ाम से एक दिन पहले खोलता था। सो सेकेंड पार्ट, ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। तो वो जो है आर्किटेक्चर में, इनकी वहाँ पर जो है एडमिशन थी, अब क्योंकि कॉलेज पास कर लिया था, अब कॉलेज पास करने के बाद जो है अब वहाँ पर उनको लेके जाना था, अब अपना सब्जेक्ट चूज करना था, हमने आगे क्या करना है। तो कहते कि मैं ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्ट, स्टम्बल्ड मीन्स कि अचानक ही मुझे आर्किटेक्ट मिल गया, बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फ्रेंच और जर्मन कम आती थी। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। तो कहते कि मैं प्रैंक्स वगैरह तो वैसे ही जो है दूसरों से ज़्यादा अच्छे इनकी प्रैंक्स कर लेता था दूसरों पर। वेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वॉज नो लुकिंग बैक, तो जब मैं कहते आगे बढ़ा तो पीछे मुड़कर मैंने देखा ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता ही गया, मत मीन्स कि मेरे सक्सेसफुल होता गया। सो हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, तो कहते हैं आर्किटेक्चर में कैसे तुमने एडमिशन लिया। इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80-85% वॉज अलाउड टू एंटर। तो कहते हैं आर्किटेक्चर कॉलेज में क्या था कि 80-85% जाती थी, उससे नीचे वाला को एडमिशन मिलता ही नहीं था। I had only 50%, तो 50% से ही थे मेरे पास। कहते I wanted to join the army, कहते मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था। I got my admission letter, but my aunt tore it up, कहते मुझे आर्मी में एडमिशन के लिए लेटर भी मिल गया बट मेरी आंटी ने जो है उसको फाड़ दिया। Then I decided that I wanted to join the police force, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस में जाऊँ। My mother said, don't join the police force, just do your graduation, तो कहते कि मेरी मदर ने कहा कि इनकी पुलिस में मत जाओ, पहले अपनी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मतलब BA, BSc, BCom, ठीक है ना, बैचलर्स डिग्री, उसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो कहते पहले ग्रेजुएशन करो अपनी। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, आजकल मुंबई बोलते हैं ना इसको, तो कहते जय हिंद कॉलेज जो बॉम्बे में था उसमें चला गया मैं। देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन, तो कहते वहाँ पर लैंग्वेज थी जर्मन और फ्रेंच, तो मुझे बोला गया कि एक फ्रेंच इनकी दोनों में से एक चूज़ करनी है। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो इवन वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, कहते जबकि मैंने 7 साल फ्रेंच पढ़ी थी लेकिन मुझे फ्रेंच का एक वर्ड भी नहीं आता था। सो आई टुक जर्मन, तो मैंने जर्मन लिया। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर कहते मेरे जर्मन टीचर की डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, तो मेरे कॉलेज वाले ने बोला या तो मैं कॉलेज छोड़ दूँ या फिर मैं फ्रेंच पढ़ लूँ। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, तो कहते हैं अब मुझे दूसरे कॉलेज में कौन एडमिशन देता। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, कहते इन्फ्लुएंस मीन्स किसी की सिफारिश के साथ जो है मुझे उसमें जय हिंद कॉलेज में जो था वो एडमिशन मिला था। सो आई थॉट ओके आई टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, तो कहते ठीक है मैंने कहा कि मैं फ्रेंच ले लेता हूँ और फिर मैंने फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, तो मैं अपने कज़न से वो सीखता था। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, तो वो आर्किटेक्ट की वाइफ थी वो। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, तो फिर फ्रेंच सीखने के लिए मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाता था। फिर BR पूछती है, बेला राजा, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर, कहते तब ही तुमने डिसाइड किया कि तुम आर्किटेक्चर करोगे। फीस कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपन्ड क्वाइट बाय चांस, कहती एक्चुअली ये बात जो थी ये बाय चांस हुआ। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ somebody ड्राइंग अ विंडो डिटेल, तो मैंने आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में देखा कि कोई जो है विंडो की एक ड्राइंग बना रहा है। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, तो विंडो डिटेल जो है बहुत ही एडवांस्ड होती है ड्राइंग जरा। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, तो कहते फिर मैंने बोला तुम्हारी विंडो जो है वो तो गलत बनाई है तुमने ड्राइंग, इसकी विंडो खुलेगी नहीं। ही देन हैड अ बैट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, तो कहते उसने मेरे पास 7 शर्त लगाई और फिर उसको बाद में एहसास हुआ कि सच में उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, तो
कहते मेरे जो जीजा थे, कज़न के हस्बैंड थे, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए. ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमिडिएटली डिड. तो उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ड्रॉ करने के लिए कहा, मैंने फटाफट जो है उसको ड्रॉ कर दिया. ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइन अ हाउस. उन्होंने कहा कि चलो घर का डिज़ाइन बनाओ, मैंने बना दिया. आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरी थिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर. तब उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ो और आर्किटेक्चर को ज्वाइन करो. वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. तो मैं कहते कॉलेज के हम दोनों गए प्रिंसिपल के, कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए. द प्रिंसिपल वॉन्ट मी आई अलो यू टू टेक पार्ट इन एंट्रेंस एग्जाम्स बट इफ़ यू डोंट डू वेल आई विल नॉट अलो यू टू ज्वाइन. तो प्रिंसिपल ने कहा, मुझे चेतावनी दी, मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम्स में तो बैठने दूंगा लेकिन अगर तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो तुम्हें जो है मैं एडमिशन नहीं दूंगा. आई गॉट एन ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक. तो कहते फिर मैंने जो है वहाँ पर ए प्लस उस एंट्रेंस एग्जाम में लिया और फिर उसके बाद केक वॉक मीन्स कि समथिंग ईजी टू अचीव, कि मुझे हर चीज़ें जो है फिर ईजीली मिलने लग पड़ी. आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप. कभी मैंने प्लान नहीं किया, कभी कोई प्लानिंग नहीं की लेकिन मुझे ये पता होता था कि चीज़ें ऊपर से कैसे दिखेंगी. आई हैड नेवर नोन वट अ सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वट इट वुड लुक लाइक. मैंने कभी भी जो है कभी कोई सेक्शन नहीं बनाया, कभी सेक्शन को नहीं जाना लेकिन मुझे ये पता था कि अगर ये कटता है इसको काटेंगे तो कैसे दिखेगा. आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट. तो कहते कि मैं हर फर्स्ट क्लास में जो है हर साल जो है आगे से आगे पास होता गया. आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल. तो मैं यही यकीन करता हूँ कि ये सब कुछ मुझे अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, ये सब कुछ जो मैंने स्कूल में खेला है अपने स्कूल टाइम में वहीं से आया है. आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम डिवेचा. तो कहते हैं बहराम डिवेचा मेरा फ्रेंड था. वी यूज टू हैव कम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एम्यूटिशंस. तो हम कहते कि हम लोगों में जो है हमेशा कंपटीशन रहता था कि हम फोर्ट्स का डिज़ाइन बनाएं, मतलब किलो का डिज़ाइन बनाएं और उसके बाद गन्स का एम्यूटेशन मतलब एक्सप्लोजिव्स बॉम्ब्स वगैरह का जैसा स्ट्रक्चर है. तो कहते वो हम बनाएं तो हम ऐसे कंपटीशन करते थे. ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट. तो हम जो है वो कुछ अलग बनाने का कंपटीशन जो था हमें होता था और डिज़ाइन हम अलग अलग बनाते थे. So in school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me. तो कहते जब मैं स्कूल में था और मेरे सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में था तो मेरी एक टीचर मिसिज गुप्ता थी, उन्होंने मेरी ड्राॅइंग्स देखी और मुझसे कहा, सी यू आर अ यूजलेस इन एवरी थिंग एल्स बट योर स्केचेज आर गुड. तो कहते कि तुम हर किसी में बेकार हो, कुछ नहीं करते हो लेकिन तुम्हारी ड्राॅइंग्स जो हैं बहुत अच्छी हैं. वैन यू ग्रो अप You become an architect. कि जब तुम बड़े होगे तुम आर्किटेक्ट बनोगे. I didn't know at the time, but she was right. कहते मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था लेकिन वो बिल्कुल सही थी. Later after I became an architect, I went back to meet her and tell her. तो कहते लेकिन बाद में आर्किटेक्ट बनने के बाद में मैं उनसे मिलने गया और मैंने उनको बताया कि मैं आर्किटेक्ट बन गया हूँ. सो फिर बेला राजा पूछती हैं, Why do you think you did not like studies? कहते तुम क्यों सोचते हो कि तुम स्टडीज़ नहीं पसंद करते थे. वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कॉप कुड नॉट डील विद द करिकुलम. क्या तुम ये सोचते थे कि तुम जो है वो सब कुछ जो है मैनेज नहीं कर पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे, जो भी तुम करिकुलम मतलब सिलेबस है उसके साथ हैंडल नहीं कर पाओगे उसको. तो फीस कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस. कहते हैं लैंग्वेजेस में मतलब हिंदी इंग्लिश संस्कृत को जो भी लैंग्वेजेस थी उनको. तो कहते हैं उसमें मैं अच्छा नहीं था. साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद. साइंस और ज्योग्राफी में कर लेता था. मैथ्स वॉज वेरी बैड. मैथ्स बहुत गंदा था मेरा. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड. कहते मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग. मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मुझे पढ़ना है, मीन्स कि स्कूल भेजा है तो पढ़ना ही है, बस इस कारण पढ़ता था. What they taught me today, I would forget after 2 days. कहते मुझे आज क्या पढ़ाया है मैं 2 दिन के बाद भूल जाता. I would not bother because
देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माई देयर टू बिगेन विद. तो कहते मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी उसकी, क्योंकि उस मेरे माइंड में उसके अकॉर्डिंग कुछ भी कहाँ से शुरू करना है कुछ ऐसा होता ही नहीं था. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. तो अब बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. टिल देन बाय बाय.